हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आप सुबह उठते ही आपको थकान लगता है, आपको कमजोरी फील होता है, आपको एकदम मतलब आलसपन लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपका इस आलसपन को कैसे दूर किया जाए, आपकी थकान को कैसे मिटाया जाए और सुबह सुबह आपको ऐसी एनर्जी देगा कि आप पूरे शाम तक एनर्जी फील करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बड़ी है कि आप जो नाश्ता सुबह का करते हैं वो सबसे बड़ा डिपेंड रहता है उसके ऊपर। अगर आप नाश्ते ही सही से नहीं करोगे तो आपको पूरे दिन थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा और अंदर से आपको कभी कभी थकान और कमजोरी की वजह से चिड़चिड़ापन लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ जिसके लेने से, इसके सेवन करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो थकान की, आलसपन की सब दूर हो जाएगी। तो पहला चीज़ है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मकई ले लिया था। आप मकई को उबाल के भी यूज़ कर सकते, तेल में भून कर भी या तल के भी यूज़ कर सकते। दोस्तों, मकई को भुट्टा बोलते हैं। इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है और फाइबर से भरपूर मात्रा में, जो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, ये आपकी हड्डियाँ जो होती है, इसके सेवन से आपकी हड्डियाँ बोन्स वो मजबूत होता है। दोस्तों, ये भुट्टा खाने से आपके जो दांत होते हैं, दांत भी मजबूत हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सेवन आप अगर डेली कर रहे हो, अगर आप इसे उबाल कर खा रहे हो या भून के खा रहे हो, डेली इसके यूज़ कर रहे हो, तो आपको कभी भी कमजोरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरी चीज़ दोस्तों लेना है, आपको क्या करना है, बादाम ले लेना है। तो बादाम 15 से या 10 बादाम भिगो कर रात में आपको रख लेना है। तो रात में रखने के बाद उसे पानी में भिगो कर रखना पूरी रात, और सुबह उठकर, ध्यान रखिए, सुबह उठकर इस बादाम को आपको सेवन करना है। कोई भी खाना खाने के पहले आपको ब्रेकफास्ट में बादाम यूज़ करना है। दोस्तों, बादाम में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें भारी मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसे भिगोकर खाने से क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है और कोई बीमारी होने नहीं देता है। दोस्तों, इसको खाना है तो ध्यान रखिए कि इसे छीलकर खाना है, छिलके के साथ आप बादाम का सेवन कभी मत कीजिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है, बादाम में विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन प्रॉब्लम हुई, स्किन से जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करता है। आपकी जो झुर्रियाँ होती है, समय से पहले फाइन एजिंग आता है, वो भी समस्या दूर होता है। इसके सेवन से आपकी दांतों मजबूत होता है, आपके जो बोन्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, और इसके सेवन से आपके जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं वो भी समस्या उनको दूर हो जाती है। दोस्तों, अब अगली चीज़ लेना है, दो चीज़ लेने के बाद आपको रात में चने भिगा देना। चना और सिंग तो दोस्तों गाँव में खाते ही आ रहे हैं, बहुत लोग खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो आपको चना भिगो कर या सिंग भिगो कर भी खा सकते हैं, या दोनों को साथ में एक भिगो कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी फ़ायदे की बात की जाए तो आपको चना और सिंग भिगो कर खाने से आपका जो शुगर लेवल नियंत्रित होता है, जो ब्लड की शुगर लेवल नियंत्रित होता है, इसमें क्या है, इसमें फाइबर है भारी मात्रा में होता है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, आपका वेट बैलेंस रखेगा, आपका वेट हमेशा नियंत्रित रखेगा। इसके सेवन से जो कैंसर की समस्या होती है, कैंसर होने की खतरा कम हो जाता है। ये आपकी आँखों को वरदान है, मतलब आँखों की समस्या, जो आँखों से दिखना कम होता है, वो कमजोरी भी दूर करता है। इसके सेवन से खून की कमी आपको कभी नहीं होगी, डेली सेवन करेंगे, डेली बेसिस पर कभी आपको खून की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इसके सेवन से आपकी जो हेयर प्रॉब्लम से, हेयर जो झुलस जाते हैं एक दूसरे में, ड्राई हो जाते हैं, वो आपको नहीं होगा। बाल एकदम सिल्की बनेंगे, बाल एकदम खुल कर रहेंगे और बाल आपके एकदम मजबूत बनेंगे। इसके सेवन से आपको कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि थकान हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, आपको दिन भर थकान महसूस रह रहा है, और ये सब आपको सुबह एक बार ले रहे हो डाइट में, तो आप शाम तक देखोगे कि आपको कोई थकान महसूस नहीं होता है। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो चने सिंह का आप जो सेवन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला होती है, जो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये क्या होता है कि ये प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत खून की जो कमी होती है, वो खून की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी सुबह के नाश्ते के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।